That year we lived at the edge of the town on Walnut Avenue. उस समय जो है हम शहर के एक कोने में रहते थे Walnut Avenue पे. Behind our house was the country. हमारे घर के पीछे गांव था. Wine yards, orchards, irrigation ditches and country roads. अब हमारे घर के पीछे जो वाइन होती है उसके खेत थे, ऑर्चर्ड्स के पेड़ थे, इरिगेशन का बहुत सारे काम हुए थे और जो गांव से रिलेटेड सड़कें हैं वो सब जाती थी. इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट. अब का 3 मिनट के कम समय में ही हम लोग जो है ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए और फिर वहां से जो घोड़ा है उसने अपनी एक तरह से रफ्तार पकड़नी शुरू करी. द एयर वॉज नाउ न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. हवा बहुत अच्छी फ्रेश थी और जैसे कहती है ना एक सांस लेते हो तो बहुत खुशी फील हो रही थी, बहुत अच्छा रिफ्रेश सा फील हो रहा था. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. घोड़े का जिस तरह से दौड़ना, हमारा उसके ऊपर बैठना एक अलग ही एहसास दे रहा था. माई कजिन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली बिगेन टू सिंग. मेरा जो कजिन मुराद था जिसको कि हमारी फैमिली के सभी मेंबर्स जो हैं एक तरह से पागल ही समझते थे, वो जो है गाना गाने लगा. आई मीन ही बिगेन टू रोर. मतलब मेरा ये गाना क्या चिल्लाने लग गया. एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर एंड माय कजिन मुराद वाज कंसीडर्ड एज द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अवर ट्राइब. हर फैमिली में एक ना एक इंसान ऐसा होता है जो थोड़ा हम लोगों से अलग होता है, थोड़ा सा पागल सा होता है. ऐसा ही मेरा जो कजिन मुराद था उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारी पूरी ट्राइब में जो है वो एक इस तरीके का नेचुरल डिसेंडेंट था, यानी कि जो नेचुरली हमारी उसमें आया था, ट्राइब के अंदर पैदा हुआ था. बिफोर हिम वॉज अवर अंकल कोसरो, एन एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्ज मुस्टैश इन द सैन जोकियन वैली. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm, pay no attention to it. उससे पहले हमारे एक अंकल थे कोसरो, जो कि एक अलग ही आदमी थे. उनका क्या था, उनके सिर पे जो है जैसे कहेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग हेड था उनका, उनका बहुत पावरफुल हेड था जिसमें काले बाल थे, उनकी बहुत बड़ी बड़ी मूछे थी. सैन जोकिन वैली में थे वो. एक ऐसा इंसान जो हमेशा गुस्से से भरा रहता था, बहुत इरिटेटिंग था, बहुत ही कम पेशेंस वाला था कि वो किसी पे भी क्या कहते हैं बीच में अगर कोई बात कर रहा हो तो वो जोर से चिल्ला के उसको रोक देते थे. पर इन सबसे कोई परेशान जैसे कहते हैं परेशानी नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता अगर उन पर ज्यादा ध्यान ना दो. That was all, no matter what anybody happened to be talking about. बस इतना ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बात करता है. Once it was his own son, Arak, running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. एक बार उनके खुद के लड़के अर्क जो थे, जो बार्बर की शॉप लगभग 8 ब्लॉक्स दूर थी, उनके पास भाग के गया जहां उनके फादर जो हैं अपनी मुस्टैश यानी जो मूछे उसे ट्रिम कराने गए थे. वहां उनको उन्होंने जाके बताया कि हमारे घर में आग लग गई है. दिस मैन कोर्सोव सेट अप इन द चेयर एंड रोड. और वो जो आदमी थे यानी जो अंकल कोर्सोव के बारे में बता रहा था, वो जो है चेयर पे ही बैठे रहे, वहीं से चिल्लाने लग गए. इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. कोई बात नहीं, कोई उस पर ध्यान मत दो. द बार्बर सेड, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर. लेकिन फिर जो नाई था उसने कहा, अरे भाई तुम्हारा लड़का कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है. सो कोसरो रोड इनफ, इट इज नो हार्म आई से. तो कोसरो जो फिर जोर से चिल्ला के बोले, बस करो, इसमें कोई परेशानी नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना. माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जोराब हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स. मेरा जो कजिन मुराद है वो भी एक तरह से इसी आदमी का वंशज माना जाता है, जबकि मुराद के जो खुद के फादर थे जोराब, वो काफी प्रैक्टिकल थे और उससे ज्यादा कुछ नहीं. दैट्स हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब. ऐसा ही था हमारे जो ट्राइब था उसमें. अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट. एक इंसान जो है जैसे उसमें अपने फादर के बॉडी जैसी होती है, एक लुक्स आ सकते हैं, सब कुछ है कि हाँ भाई मेरा बेटा है, कहने को मेरा बेटा है, लेकिन जो उसमें एक फादर की वैल्यूज हैं, एक आत्मा है, एक स्पिरिट है, वो सब चीजें नहीं थी. मतलब जैसे फादर की हैबिट्स होती हैं, जैसे फादर की जो क्वालिटीज हैं, वो बच्चे में बिल्कुल नहीं थी. जरूरी नहीं है कि वो उसमें हो. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ अवर ट्राइब हैड बीन फार फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट.
हमारी अभी भी जो ट्राइब है उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आदतें जो हैं उन लोगों से मिलती हैं जो हमारे शुरुआत में काफी मौजी या आवारा टाइप रहे होंगे। We rode and my cousin Murad sang. हम लोग अब घोड़े पर सवारी कर रहे थे और मेरा जो कजिन है वो गाना गा रहा था। For all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors, we belong. आज भी जो है हम लोग कहने के लिए उन्हीं कंट्रीज में रहते हैं या उन्हीं जगहों पे रहते हैं जैसा कि हमारे पड़ोसी जानते हैं कि हम उस कंट्री को बिलोंग करते हैं। We let the horse run as long as it felt like running. हम घोड़े को जो है उतना ही तेज दौड़ने दे रहे थे जितना उसका दौड़ने का मन था। At last my cousin Murad said, get down, I want to ride alone. फिर फाइनली मेरा कजिन जो मुराद है वो मुझसे बोला, अब तुम उतर जाओ, मैं अकेले जो है इस पे सवारी करूंगा। Will you let me ride alone? I asked. तो मैंने पूछा, क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे? That is up to the horse, my cousin said, get down. मैंने कहा, ये घोड़े के ऊपर है। मेरे कजिन ने कहा, अच्छा नीचे उतरो। The horse will let me ride, I said. तो मैंने कहा, हाँ घोड़ा मेरे को भी सवारी करने देगा। We shall see, he said, don't forget that I have a way with the horse. चलो देखते हैं, उसने कहा, चलो अब हटो, अभी मेरे को जो है घोड़े के साथ जाने दो। Well, I said, anyway, you have with the horse, I have also. तो मैंने कहा, हाँ ठीक है, तुम जैसे सवारी करो ऐसे मैं भी करूंगा। For the sake of your safety, he said, let us hope so, get down. अच्छा, तुम्हारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उम्मीद करते हैं, चलो अब अच्छा हटो और रास्ता दो। All right, I said, but remember, you have to got to let me try to ride alone. मैं कहा, ठीक है मैं उतर तो जाता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम मुझे भी एक बार अकेले सवारी करने दोगे। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Wazir, run! अब मैं जैसे ही नीचे उतरा, मेरे कजिन मुराद ने जो है वो जो हील्स थी उससे घोड़े को एकदम से हिट किया और जोर से चिल्लाया, वजीर रन। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, स्नॉटेड एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। अब हॉर्स जो है एकदम से अपने आगे की दोनों पैरों को उठा के खड़ा हो गया, जोर से हिनहिनाया और फिर इतनी तेज स्पीड पकड़ ली जो कि मेरे लिए उस वक्त सबसे ज्यादा सुंदर चीज थी जो मैंने देखी थी। माय कजिन मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट। मेरा जो कजिन मुराद था उसने अब घोड़े को दौड़ाना शुरू किया, वो बिल्कुल सूखी घास के खेतों में दौड़ा रहा था, फिर वो इरिगेशन जहाँ खुदा हुआ था वहां ले गया, फिर उसने जो गड्ढा था उससे घोड़े को क्रॉस कराया और 5 मिनट बाद जो है वो वापस आया, वो जो है पूरा गीला था। द सन वॉज कमिंग अप, अब सूरज निकलने रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा अब मेरा टर्न है। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कजिन जो मुराद था वो एकदम से घोड़े से उतर गया। Ride, he said. अगर ठीक है करो सवारी। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear unimaginable. The horse did not move. मैं जो हूँ एकदम से कूद के घोड़े की पीठ पर बैठ गया और मुझे ऐसे जैसे ऐसा एक अजीब सा डर हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। घोड़ा हिला ही नहीं। Kick into his muscles, my cousin Murad said, "What are you waiting for?" मेरे जो कजिन था मुराद उसने मुझसे कहा, अरे उसके मसल्स में किक करो, किस बात का इंतजार कर रहे हो? We have to take him back before everybody in the world is up and about. हमें ये घोड़ा वापस लेके जाना है इससे पहले कि सब लोग दुनिया में सो के उठ जाएं और ढूंढे, इससे पहले हमें वापस ले जाना है। I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted. Then it began to run. अब जो घोड़ा था मैंने भी उसके मसल्स में किक किया तो वो फिर दोबारा जो है उसने एकदम से पीछे हटा और जोर से हिन्नाया और दौड़ना शुरू कर दिया। I didn't know what to do. अब मेरे को समझ नहीं आया था क्या करूं। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vine yard of Dikran Halabian, where it began to leap over vines. अब बजाय वो उस खेतों में भागने के या उस इरिगेशन डिच के बाद भागने के, घोड़ा जो है उस सड़क पे दौड़ने लग गया जो कि वाइन यार्ड की तरफ जाती थी दीकरान हालिबियान के, और वहां वो जो है जो वाइन्स थी उनके ऊपर कूदने लगा। The horse leaped over 7 vines before I fell. अब घोड़े ने जो है लगभग 7 vines के ऊपर जो है जंप मारी इससे पहले कि मैं गिर जाता। Then it continued running और फिर वो जो है भागने लग गया। My cousin Murad came running down the road. मेरा कजिन मुराद जो है वो भागता हुआ जो है रोड के पास आ गया नीचे। I am not worried about you, he shouted. We have to get that horse. मेरे को तुम्हारी चिंता नहीं है, उसने चिल्ला के कहा, मुझे हमें ये जो घोड़ा है ये चाहिए। You got this way and I'll go this way. तुमको इस रास्ते जाना है, मुझे इस रास्ते जाना है। If you come upon him, be kindly, I'll be near.
अगर तुम उस पे ही चढ़ के आते हो तो आराम से आना, मैं पास में ही रहूंगा।